बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम कलंगुट बीच में कहाँ से बाइक कार रेंट करना चाहिए। सो फाइनली कलंगुट बीच घूमने के बाद ये वीडियो में मैं आपको कलंगुट के बीच मार्केट जो स्ट्रीट मार्केट है ये घुमाने वाला हूँ। अभी का क्या स्टेटस है, चलते हैं पूरा एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें ओपन है क्या बंद है, सारे अपडेट ये वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए, लोग काफ़ी आ रहे हैं अभी इस टाइम पे। आज का जो वेदर है काफ़ी बढ़िया है, हालांकि थोड़ा गर्मी है पर लोग आप देख सकते हो मार्केट में काफ़ी लोग हैं। अभी बीच की तरफ जा रहे हैं, मैं तो बीच जाके आया हूँ, आपको अपडेट कर दिया लास्ट वीडियो आपने देखा रहेगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये कलंगुट रेसिडेंसी, ये भी आप ऑनलाइन चेक करके होटल बुक कर सकते हो, यहाँ पे रूम अवेलेबल है। ये साइड जो है पार्किंग एरिया है और ये मार्केट एरिया जो स्ट्रीट मार्केट है। ये जो रोड गया है ना, ये साइड में बहुत सारे रिजॉर्ट होटल वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है, होम स्टे वगैरह ये साइड में मिलता है। और ये बिल्कुल होलसेल दोनों साइड आप कपड़ा देख सकते हो। सो 200 बीच वेयर है, हालांकि ये मार्केट है, बीच वेयर आपको मिलता है, स्लीवलेस टी शर्ट गोवा वाले टी शर्ट वगैरह सारे आपको मिलेगा, दोनों साइड सेम प्राइस है, 100 रुपये से स्टार्ट होकर 150 to 120, 500 रुपीज़ सारे प्राइस आपको मिलता है पूरा मार्केट एरिया। ₹20-30 होलसेल आइटम आपको मिलता है, ये देखिए सेल धमाका 20-30 रुपीज़ में कुछ कुछ सामान आपको मिलता है। सो ये एरिया है, मार्केट में काफ़ी लोग हैं अभी अपना शॉपिंग करते हुए आपको दिख रहे हैं, काफ़ी लोग हैं। मैं अभी थोड़ा घूम रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शंस, अभी तक तो सारी चीज़ें ओपन है, हालांकि ये कितना दिन तक ओपन रहेगा बारिश स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बिल्कुल फिर से अपडेट करूँगा। अभी तक तो फिलहाल कलंगुट मार्केट पूरा ओपन है और यहाँ पे ओ माय गुडनेस लोग देखो आप, मार्केट में लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लोग हैं। ये देखो यहाँ पे मसाज टैटू शॉप है, मसाज भी लिया जा रहा है, फास्ट फूड का आइटम यहाँ पे मिलेगा। ये कौन सा है, सिटी बाज़ार करके एक बड़ा सा स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे राइट साइड में एक वाइन स्टोर है बड़ा सा, ये देखो बैग आपको दिख रहा होगा, बैग का बहुत सारा ऑप्शंस है दोनों साइड, सारे शॉप्स अभी तो ओपन है क्योंकि बारिश नहीं है, हालांकि गर्मी है थोड़ा बहुत, पर सारी चीज़ें ओपन है, उसके हिसाब से टूरिस्ट भी काफ़ी है। सारे मार्केट पूरा कलंगुट मार्केट अभी ओपन है। तो अपडेट ऐसा है दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए तो सारे मार्केट ओपन है, पर बीच साइड में जो वाटर स्पॉट्स है ये बंद हो गया है, बीच साइड शैग बंद हो गया है और बीच नाइट लाइफ जो है ये भी बंद हो गया है, ठीक है। अभी हम इंटरेस्टिंग प्लेस में पहुंचे हैं, बहुत सारे लोगों का जो क्वेरी रहता है ये मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ से जो स्टार्ट होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो प्लेस स्टार्ट हो रहा है मेरे राइट साइड में, आप नोटिस करेंगे ये जो बाइक यहाँ पे रखा गया है, ये जो बाइक पार्क है, ये सारे मैक्सिमम आपको रेंटल बाइक दिखेगा। आप दूसरे साइड जाएंगे और दिखाता हूँ, ये देखिए कलंगुट बीच के मार्केट में जब आएंगे ना आप, ऐसे आपको बोर्ड मिलेगा, नंबर वगैरह आपको मिल रहा है तो देखिएगा, ठीक है। ये जो बाइक है सारे ये रेंटल रिलेटेड है, यहाँ से आप रेंट करके आप घूम सकते हो आराम से, ठीक है। ये सारे जो आपको दिख रहा है ज़्यादा करके रेंटल बाइक ये साइड में आपको मिलेगा कलंगुट बीच के मार्केट में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम कलंगुट बीच में कहाँ से बाइक कार रेंट करना चाहिए, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल यहाँ पे आइए। कलंगुट बीच में आने के बाद जैसे आप ये पार्किंग एरिया में आओगे, रास्ते में ही आपको बोर्ड मिलेगा और बंदे बोर्ड के पास कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाना है, बात करना है उनसे, बार्गेनिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हो उधर एक बोर्ड है, आगे बोर्ड है और पूरा बिल्कुल मार्केट में ही है, ऐसा नहीं है कि अंदर आपको जाना पड़ेगा, ऑफिस ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मार्केट में ही है। ये बोर्ड के ऊपर ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई नहीं मिला तो डायरेक्ट कॉल करो। ये देखो रेंट है बाइक एंड कार, ये नंबर पर डायरेक्ट कॉल करना है, फिर वो बंदा आएगा जो अवेलेबल होगा उसके पास, प्राइस पूछने के बाद आप बिल्कुल अब ले सकते हो। और ये देखो मार्केट वगैरह काफ़ी लोग हैं अभी यहाँ पे, एक देखो रूम्स अवेलेबल एसी नॉन एसी बाइक कार रेंटल सारे मिलेगा आपको, ठीक है। ये चल चल के मैं बीच से पार्किंग एरिया तक आ गया हूँ, मार्केट आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए
ये साइड में, लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये जो पार्किंग एरिया, कलंगूट के मेन पार्किंग एरिया है, फोर व्हीलर पार्किंग है। यहाँ पे भी होटल है, होटल मीर पैलेस। ये देखिए ऐसे आपको बोर्ड मिलेगा, तो इनको कांटेक्ट करना है और अपना बाइक वगैरह आप रेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कलंगूट बीच मार्केट, आपको घुमाया। अभी सारे शॉप ओपन है, रेंटल के सारे जो ऑप्शन है ये सारे ओपन मिलेगा आपको। रास्ते में सारे शॉप ओपन है, वाइन स्टोर हो गया, कैजुनर्स का, कपड़े का, फूड ऑप्शन, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट सारे आपको मिलेगा अभी अभी के टाइम पे, तो क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि बारिश स्टार्ट होने के बाद जुलाई में अगस्त में क्या सीन रहेगा ये सारे बिल्कुल आपको अपडेट करूँगा। और बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑन रखिएगा। आपका अगर नेक्स्ट प्लान है गोवा आने का तो वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा। और साई सागर वेज रेस्टोरेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साई सागर बिल्कुल कलंगूट बीच के एंट्रेंस में। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि वेज रेस्टोरेंट कहाँ पे मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपके पास है, मार्केट एरिया में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिलता है। और मेरे पीछे जो देख रहे हो ये बस देखा, जो बस जो गया है कलंगूट बीच के बिल्कुल एंट्रेंस तक लेके जाता है, बिल्कुल 50 मीटर दूर आपको बस लाके ड्रॉप करेगा। पेंजिम से भी डायरेक्ट बस यहाँ तक मिल जाता है। तो चलेंगे, बस स्टॉप में ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बाइक वहाँ पे है, तो चलता हूँ। बस स्टॉप भी आपको दिखाता हूँ और मार्केट तो ये है, स्टेटस काफ़ी लोग हैं, सारी चीज़ें अभी ओपन है। साइड में कैजुनट का शॉप कितना बड़ा है, प्राइस अलग रहेगा, टूरिस्ट प्लेस है तो उसके हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होगा। आपको लेना है तो आप जब कलंगूट में रहोगे आके प्राइस चेक करना है और उसके बाद आप बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हो। इनका प्राइस फिक्स नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से आपको जैसे पता है प्राइस चेंजेस होता रहता है। और ये साइड में ही इधर पार्किंग एरिया के पास ही ये बस स्टॉप है, आपको बस दिख रहा होगा, यहाँ तक बस लाके आपको ड्रॉप करता है। फिर यहाँ से आप 50-100 मीटर चल के जाओगे तो आपको कलंगूट बीच डायरेक्ट एंट्रेंस तक पहुँच जाओगे, ठीक है। सो ये है स्टेटस अभी का, अपडेट चल रहा है, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है दोस्तों ये सारे अपडेट चल रहा है, सारे प्लेस का मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं गोवा दर्शन सीरीज फिर से शूट करने वाला हूँ, जो कि ऑफबीट प्लेस है, वाटरफॉल वगैरह फिर से शूट करेंगे। दोस्तों गोवा दर्शन सीरीज जो मैंने शूट किया है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अपडेट वीडियो में उसी टाइम का जो सिचुएशन है ये अपडेट करता हूँ। गोवा दर्शन सीरीज में आपका टूर कैसे करोगे, आप कभी भी टूर करो वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको पूरा रोड मैप दिखाया है, फूड का ऑप्शन, स्टे का ऑप्शन, प्लेस कौन सा आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे जाओगे, क्या डिफ़िकल्टीज होता है, उसमें डिटेल में शूट किया हूँ। तो गोवा दर्शन सीरीज जो है कोई अपडेट नहीं है, उसको आप कभी भी देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अगर गोवा टूर प्लान कर रहे हो तो कभी भी देखो। और ऐसे जो नॉर्मल वीडियो अभी अपडेट चल रहा है, ये नॉर्मल अपडेट है, जस्ट अभी का सिचुएशन अपडेट आपको कर रहा हूँ। इसके बाद हम फिर से गोवा दर्शन शूट करेंगे, ठीक है। चल चल के बाइक के पास भी आ गया हूँ, ये पार्किंग एरिया मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये कलंगूट बीच के पार्किंग एरिया है, काफ़ी टूरिस्ट है और पार्किंग पूरा फुल है। इसके हिसाब से पता चलता है कितना ज़्यादा टूरिस्ट, और दिखा भी दिया हूँ आपको बीच साइड में कितना ज़्यादा लोग है। अभी सारे ऑलमोस्ट ओपन है, सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स शेक और नाइट लाइफ छोड़ के बाकी सारे ओपन है। आप अपने हिसाब से प्लान करें और गोवा विजिट करें। ये वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले और एक नया प्लेस के अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, बाय बाय।